दुमका के मसलिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पेयजल आपूर्ति के लिए बिछाए गए पाइप को चोरी कर ले जा रहे तीन चोरों को मसलिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं चोरों के पास से पुलिस ने तीन मोबाइल चलावे व एक ट्रक जिसमें लोड 22 पाइप को जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में मसलिया पुलिस छापेमारी पर निकली। छापेमारी के क्रम में मसलिया के सीमावर्ती क्षेत्र धवाडंगाल मुर्गी मोड़ के आसपास छापेमारी दल को देखकर भाग रहे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से रानीताल थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू मदनपुर के मुर्दाजा शेख हुगली जिले दानपुरी थाना के दाऊतले मंडल एवं मुर्शिदाबाद जिले के रानीतोला थाना क्षेत्र के सैयदपुर के नुरसलिम को दौड़ाकर फिल्म स्टार में गिरफ्तार किया गया। वहीं ऑटो पर सवार इस कार में संलिप्त आरोपी भी था, जो पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। पुलिस ऑटो में सवार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं गिरफ्तार तीन आरोपियों से पूछताछ के बाद इन तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में दुमका जेल भेज दिया गया। इस संबंध में 25 जुलाई को पेयजल स्वच्छता विभाग के संवेदक संजीव कुमार चौबे ने मसलिया कांड संख्या 4823 में भादवे की धारा 369 के तहत अज्ञात चोरों के विरुद्ध पाइप चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं गिरफ्तार तीन आरोपियों के पास से रेडमी ओप्पो एवं वीवो के तीन मोबाइल को जब्त किया गया है।